नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश, प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विधायकों को सांपनाथ और नागनाथ बोलना एक असभ्य भाषा का बात करना है। चुने हुए विधायकों को इस तरह का संज्ञान देना ठीक नहीं है। उनके द्वारा जो बयान दिया गया कि हिमाचल प्रदेश के 80% विधायक उनके साथ हैं, माननीय सुक्खू जी न केवल मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के होम मिनिस्टर भी हैं। जिस व्यक्ति को यही समझ नहीं आया कि उनके विधायक एक होम मिनिस्टर होते हुए उनके साथ हैं या नहीं हैं, और वो अंतरात्मा की आवाज से राज्यसभा के लिए उन्होंने इस बात का विरोध किया कि भारी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस द्वारा राज्यसभा में भेजा जा रहा है और उनको हिमाचल का कोई अपना वरिष्ठ नेता इस पद के लिए उनको समझ नहीं आता, उसी दृष्टि से उन्होंने राज्यसभा में उनके खिलाफ वोट डाला और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल का सपूत, हिमाचल का बेटा राज्यसभा चुन करके गया। और अब इस तरह का बयान देना कि ये विधायक सांप हैं, ये बहुत ही अशोभनीय बात है। मेरा मानना है कि सुखविंदर सुक्खू जी आज भी एक मुख्यमंत्री की गरिमा को ना देखते हुए आज भी युवा कांग्रेस और एनयूसीआई के अध्यक्ष की तरह बिहेव कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप अपने युवा कांग्रेस और एनयूसीआई की उस पुरानी सोच से बाहर निकलें और प्रदेश की चिंता करें। पहले उन्होंने अपने मित्रों को सरकार में स्थान दिया और आज जब उनकी कुर्सी उनको डगमगाती नजर आ रही है तो लोगों को, विधायकों को अलग अलग जगह में कोई कैबिनेट का दर्जा देना, कहीं किसी को चेयरमैन बनाना, इस प्रलोभन से साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है। और इस तरह से अगर वो साथ जोड़ना चाह रहे हैं तो ये सरकार बहुत दिन तक नहीं चलने वाली। आज आप 5 लोगों को कुर्सी से अगर नवाजोगे भी तो 20 लोगों का पिटारा और खुलेगा। दूसरा, हिमाचल प्रदेश वैसे ही बहुत क्राइसिस से गुजर रहा है, कर्जा लेकर के लोगों की तनख्वाहें दी जा रही हैं। इस तरह का भरकम बोर्ड और चेयरमैनों को भरने से और आर्थिक बोझ हिमाचल प्रदेश की जनता पर पड़ेगा। हमारा मानना यह है कि माननीय सुक्खू जी अपने कुनबे को अपने तरीके से संभालें और भाजपा पर इस बात का आरोप ना लगाएं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार को डिस्टर्बलाइज कर रही है। अपने गिरेबान में झांकें और मैं फिर से कहता हूं कि अपनी एनयूसीआई अध्यक्ष की और युवा कांग्रेस की अध्यक्ष से बाहर आकर के एक मुख्यमंत्री की तरह बिहेव करें। हमें मालूम हुआ है कि 4 पार्लियामेंटों से फिर से वहां के विधायकों को भी चेयरमैन की कुर्सी दी जा रही है। सुनने में यह आया कि स्पीकर को अब प्रोटोकॉल में पायलट एस्कॉर्ट दी जा रही है और 2 विधायक जो शिमला जिला को संबंध रखते हैं उनके ऊपर नजर सरकार द्वारा गाड़ी जाए, उस दृष्टि से उनको एक्स्ट्रा पुलिस सिक्योरिटी में रखा जा रहा है ताकि वो उनकी नजरों में रहें। जब इस तरह का विश्वास विधायकों के बीच में ही है तो हिमाचल की जनता तो पहले ही बहुत त्रस्त है और आने वाले लोकसभा में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और अगर सुक्खू में इतनी ताकत है कि वो बहुत पॉपुलर लीडर हैं तो हमीरपुर से एक बार चुनाव लोकसभा का लड़ करके देखें तो कितना दूध और कितना पानी है वो सामने नजर आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।